ओम शांति। 15 अप्रैल 2021 की साकार मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, वही बहादुर हैं। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? तो बाबा कहते, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है, उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, पाप और वर्षे को याद करते रहो, तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं, तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है, उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों को कल्प बात फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे, उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है, सेकेंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो माएँ हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने, अभी हरेक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हरेक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना, वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधु आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सके, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं, नंबर वार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं हैं, क्योंकि कला कम हो गई। जो पहला नंबर है, पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि कृष्ण एक है व दो तीन है। कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, ये किसी को भी पता नहीं। पूजा सिर्फ नंबर वन की होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करे, उनकी राजधानी ले लेवे। जो अच्छे सर्विस करेंगे, वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहाँ तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वह बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं, तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को राजा कहा जाता है। फिर महाराजा का लकब कम हो जाता है, प्रायः लोप हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है,
तो गरीब साहूकार में फ़र्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। सदगति तो ज्ञान से होती है, पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो यह भी समझाना है। ये किसी को पता नहीं कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है, आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया, पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विकम विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं, मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा पालेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आगे भी ऐसे कहा था, किसी को भी समझा सकते हो। बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बन गई है, जो सतोप्रधान थी अब फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान बन सतोप्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है, फॉर्म्स आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ, समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, किनकी दबी रही धूल में लड़ाई जरूर होगी, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। छोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे, बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के तीन भाग खलास हो जाते हैं, बाकी एक भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं, अभी भारत का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाती हो, स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाए तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है।
बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो यह कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस मासूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिको, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ मासूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है। भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। यह बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए। अभी तुमको ऊपर जाना है, सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, यह हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा, जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। चित्र में हमेशा छोटी चीज़ दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वह फिर प्रायः लोप हो जाते हैं, सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना? साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है, ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं, बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना, फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं, तो यह हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेगी, फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्राश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी, ऐसा होता रहता है। खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं, इससे तो घर जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिसर्विस भी करते हैं, हमारी सेना में कौन कौन बहादुर हैं यह बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, यह है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है, वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, यह सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़ी ही पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते हैं, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं, उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है, अभी तुम जानते हो राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए, देवी देवता बनाते हैं, फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है, बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम पांच विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम शुक्रिया जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया। विधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकम विनाश हो जाएंगे। वरदान है अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। स्लोगन है बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।